हेलो स्टूडेंट्स, मैं राकेश फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग इस चैनल पे अभी नंबर्स को पढ़ रहे हैं, तो नंबर के कुछ बचे हुए भाग हैं जिसे आज हम लोग पढ़ेंगे। तो और अगर आपने पिछला वीडियो मेरा नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ जाके उसे देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग रिमेनिंग पार्ट को देखते हैं। तो देखिए, हम लोग नंबर्स पढ़ रहे हैं, नंबर्स उसी के बचे हुए पार्ट को हम लोग देखते हैं। कुछ नाउंस, नेक्स्ट टूल हमारा क्या बोलता है, कुछ नाउंस के सिंगुलर और प्लूरल एक ही होते हैं, एक ही होते हैं। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, शिप, पुलिस, डियर, इनिंग्स। देखिए, एग्जाम्पल में हमने लिया शिप, पुलिस, डियर, इनिंग्स। तो अगर हम लोग एक के लिए यूज कर रहे हैं तो भी हम लोग शिप या पुलिस यूज करेंगे, अगर दो के लिए कर रहे हैं, तीन के लिए कर रहे हैं, बहुत सारों के लिए कर रहे हैं तो भी हम लोग शिप या पुलिस ही रखेंगे। आप अगर गिनती में देखना चाहें तो आप ऐसा कर सकते हैं कि अगर एक शिप है तो वन शिप लिखें, दो शिप है तो टू शिप लिखें, थ्री शिप है तो थ्री शिप लिखें, इसी तरह डियर में आप कर सकते हैं। और इनिंग्स में आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे अगर टेस्ट मैचेस होते हैं तो उसमें कहा जाता है फर्स्ट इनिंग्स, सेकेंड इनिंग्स, तो इनिंग्स में हमेशा ये इनिंग्स लास्ट में एस ही लगा रहता है। इसके सिंगुलर फॉर्म भी वही है, प्लूरल फॉर्म भी वही है। तो देखिए, जैसे मान लीजिए हम कहना चाहें देयर इज वन शिप, ठीक है, तो हमने लिखा देयर इज वन शिप, यानी कहने का मतलब है कि वहां पे एक भेड़ है। तो वन हम लोगों ने लगाया शिप के पहले, इसका मतलब हो गया कि एक भेड़ वहां पे है। और अगर एक से ज्यादा हम लोग दिखलाना चाहें तो कैसे करेंगे, देयर आर, मान लीजिए दो है या तीन है, थ्री हम लोग लेते हैं, थ्री शीप, ठीक है। तो प्लूरल बनाने के लिए हम लोग ये यूज कर सकते हैं कि यहां पे हम लोगों ने थ्री दिखला दिया तो इसे पता चल जाएगा कि कितनी भेड़े हैं, तीन भेड़े हैं, शीप, देयर आर थ्री शीप, तो वहां पे कितनी भेड़े हैं, तीन भेड़े हैं। तो इनका आप देखिए, ये तो यहां पे हम लोगों को पता चल रहा है कि ये सिंगुलर है क्योंकि यहां पे वन यूज हुआ है, ठीक है, एक है, और यहां पे ये प्लूरल आ गया क्योंकि यहां पे ये थ्री यानी तीन के लिए यूज हुआ है। तो आप दोनों में देखिए कि शिप तो जस का तस है, शिप यहां भी शिप लिखा हुआ है, यहां भी शिप लिखा हुआ है, शिप में हम लोगों ने एस या ईएस लगा के शिप्स ने किया है। तो वही कहने का मतलब है, इसका रूल है कि कुछ नाउन्स के सिंगुलर और प्लूरल एक ही होते हैं। देखिए, यहां पे ये सिंगुलर रूप में यूज हुआ है और यहां पे ये प्लूरल रूप में यूज हुआ है, क्लियर है। तो इसमें क्या कहता है कि कुछ नाउन्स के सिंगुलर और प्लूरल एक ही होते हैं, मतलब हम लोग सिंगुलर में भी यही वर्ड यूज करते हैं और प्लूरल में भी यही वर्ड यूज करते हैं। अब चलिए नेक्स्ट रूल में हम लोग चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट रूल क्या बोलता है मेरा, तो कुछ नाउन्स हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही यूज होते हैं, कुछ नाउन्स हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही यूज होते हैं। इनमें देखिए को क्या क्या एग्जांपल्स हैं, तो जैसे सीजर्स यानी कैंची, या आप लिख सकते हैं ट्राउजर्स,
पायजामा, स्पेक्टेकल्स, ठीक है, चश्मा, आर्म्स, भीख, ठीक है, और बहुत सारे होते हैं। जैसे ये रूल बोलता है कुछ नाउन्स हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही यूज होते हैं, यानी जहां पे भी ये आएंगे बस इसी रूप में आएंगे, जैसे सीजर्स कैंची, ट्राउजर्स पैजामा, स्पेक्टेकल्स चश्मा, आर्म्स भीख, तो ये कहीं भी यूज हो रहा है तो इसी फॉर्म में यूज होगा, एस कभी हटेगा नहीं, यहां से भी नहीं हटेगा, ठीक है। तो सीजर्स आप देख रहे होंगे कैची कैसे हमारा प्लूरल है, तो होता तो ये एक चीज है कैची, लेकिन ये दो पार्ट से बना हुआ होता है। देखिए कैची हमारा क्या होता है, दो पार्ट में बना हुआ होता है और बिना दोनों पार्ट के जुड़े मिले हुए ये पूर्ण नहीं होता है, इसलिए हम लोग इसे प्लूरल फॉर्म में ही यूज करते हैं। इसी तरह ट्राउजर देखिए दो पार्ट में बना हुआ होता है, स्पेक्टेकल्स देखिए ये भी दो पार्ट में बना हुआ था, एक पार्ट दो पार्ट, तो इसलिए हम लोग इसका यूज प्लूरल फॉर्म में ही करते हैं। तो ये जहां भी आएगा प्लूरल फॉर्म में ही आएगा। देखिए हम लोग इसको और एग्जांपल से समझ सकते हैं, जैसे मैंने नया चश्मा खरीदा है तो हम लोग लिख सकते हैं आई हैव बाउट न्यू स्पेक्टेकल्स, स्पेक्टेकल्स, ठीक है। तो आई हैव बाउट न्यू स्पेक्टेकल्स यानी मैंने नया चश्मा खरीदा है, तो यहां पे देखिए स्पेक्टेकल्स यहां पे इसी फॉर्म में आया है जैसे मैंने यहां पे लिखा है, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं, आप जहां भी इनको यूज करें बस इसी रूप में ये आते हैं, तो आप इन्हें याद कर सकते हैं। तो आइए हम लोग अब नेक्स्ट रूल को देखते हैं, यहां तक हम लोगों ने देख लिया और इसके आगे इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे बहुत अच्छे तरीके से कि इसके साथ कौन सा वर्ब यूज होगा, क्या यूज होगा, तो अभी आप इतना ही ध्यान दें यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं हम लोग। तो देखिए लगभग हम लोगों ने नाउन के प्लूरल और सिंगुलर के रूल्स को देख लिया है, और भी बचे हुए रूल्स को हम लोग देखेंगे। तो प्रोनाउन में भी कुछ होते हैं कि ये सिंगुलर है हमारे, ये प्लूरल है हमारे, वर्ब में भी सिंगुलर और प्लूरल होते हैं, तो उनको भी जरा देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए नंबर्स ऑफ प्रोनाउन, ठीक है, जैसे इसे हम ऐसे लिख सकते हैं सिंगुलर प्लूरल, ठीक है। तो नंबर्स ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउन में सिंगुलर क्या क्या होते हैं और प्लूरल क्या क्या होते हैं वो जरा सा हम देख लेते हैं। जैसे सिंगुलर जिससे एक का बोध हो, तो आई या माई, माई सेल्फ, ठीक है, ही, सी, एवरीवन, ठीक है, एनीवन, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, ठीक है, हिम, हर, एटसेट्रा। देखिए ये हमारे सिंगुलर होते हैं, आई मैं खुद के लिए यूज कर रहा हूं, माई मेरा, माई सेल्फ मेरा, ये सब हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में, ही, सी, एवरीवन, एनीवन, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, हिम, हर, एटसेट्रा। तो जिन चीजों से हमारा पता चलता है कि वो एक के लिए यूज हो रहा है तो वो हमारा सिंगुलर कहलाता है, तो ये हमारे सारे प्रोनाउन कहलाते हैं। ये कौन सा प्रोनाउन है, ये कौन सा प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। बस आप अभी यही ध्यान दीजिए कि सिंगुलर और प्लूरल कौन है, तो आई, माई, माई सेल्फ, ही, सी, एवरीवन, एनीवन, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, हिम, हर, एटसेट्रा, और भी बहुत सारे होते हैं, तो ये क्या है हमारा सिंगुलर है। अब प्लूरल में देखिए एक से ज्यादा के लिए यूज होता है, वी, आवर, आवर सेल्फ,
ठीक है, देम, दे एटसेट्रा, ठीक है। तो यहां पे प्लूरल में क्या होता है, वी, आवर, आवर सेल्व्स, देम, दे और भी बहुत सारे होते हैं, तो इनसे एक से अधिक चीजों के लिए बोध में लाया जाता है। तो ये हमारे क्या कहलाते हैं, प्लूरल कहलाते हैं, और ये कहलाते हैं हमारे सिंगुलर। तो अभी आप बस इन्हीं चीजों को देखें, डिटेल में हम लोग फिर जब प्रोनाउन चैप्टर को देखेंगे तो उसमें पढ़ेंगे। अब हम लोग वर्ब के नंबर्स को प्लूरल और सिंगुलर में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो जरा देख लेते हैं। तो आइए देखते हैं उसे। तो देखिए अब हम लोग देखते हैं नंबर्स ऑफ वर्ब, ठीक है। नंबर्स ऑफ नाउन हम लोगों ने देखा, नंबर्स ऑफ प्रोनाउन देखा, अब नंबर्स ऑफ वर्ब देखते हैं। तो इसका रूल क्या बोलता है कि वर्ब के अंत में एस या ईएस लगाकर उसका सिंगुलर बनाया जाता है, सिंगुलर बनाया जाता है, ठीक है। तो देखिए नंबर्स ऑफ वर्ब हम लोग देख रहे हैं, तो ये रूल क्या बोलता है मेरा, वर्ब के अंत में एस या ईएस लगाकर उसका सिंगुलर बनाया जाता है। तो यहां पे आप देख रहे होंगे कि नाउन का जस्ट उल्टा है, नाउन में हम लोग क्या करते थे, एस या ईएस लगाकर उसका हम लोग प्लूरल बनाते थे, लेकिन वर्ब में वैसा नहीं होता है। वर्ब का जो मेन फॉर्म होता है वो हमारा क्या रहता है, प्लूरल में रहता है, और उसका सिंगुलर बनाने के लिए हम लोग एस या ईएस लगाते हैं। जैसे देखिए प्लूरल सिंगुलर, एग्जाम्पल में लेते हैं हम लोग, जैसे कम, ठीक है। तो कम ये हमारा वर्ब है, ये हमारा ऑलरेडी किस फॉर्म में रहता है, प्लूरल फॉर्म में रहता है, और इसको हम लोग सिंगुलर में बदलने के लिए एस या ईएस लगाते हैं। तो कम है तो इसमें क्या लगेगा, एस, कम्स, तो ये हमारा क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। और कम हमारा ऑलरेडी किस फॉर्म में रहता है, प्लूरल फॉर्म में रहता है। जैसे एक और लेते हैं गो, ठीक है, तो गो हमारा क्या है, प्लूरल फॉर्म में है, और इसका सिंगुलर बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ईएस लगाएंगे, गोज, ठीक है। इसी तरह हम लोग एक और लेते हैं, मान लीजिए रन, रन, तो ये भी हमारा क्या है, प्लूरल फॉर्म में है, इसका सिंगुलर बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एस का यूज करेंगे, जैसे runs, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा कि वर्ब हमेशा मेन फॉर्म में क्या, किस रूप में रहता है, तो प्लूरल रूप में रहता है, और उसका सिंगुलर बनाने के लिए हम लोग एस या ईएस का यूज करते हैं। जैसे कम का हम लोगों ने क्या किया, कम्स, गो का क्या किया, गोज, रन का क्या किया, रन्स, और नॉन में जस्ट अपोजिट होता है, उसमें अगर हम लोग अंत में एस या ईएस लगा देते हैं तो वो हमारा प्लूरल हो जाता है, और भर में उसका उल्टा होता है, एस या ईएस लगाने पे ये क्या होता है, सिंगुलर बन जाता है, ठीक है। चलिए हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू इसको और समझने का कोशिश करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हम लोगों ने लिखा वी इट, अब जैसा कि आप जानते हैं कि वी हमारा क्या है, प्लूरल है, हम लोग यानी एक से ज्यादा लोग हैं उनके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, वी यूज करते हैं, तो ये हमारा प्लूरल है, तो भर भी हमारा क्या होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। तो इट हमारा ऑलरेडी अभी मैंने बताया कि इट हमारा प्लूरल है, तो ये हमारा सही है, वी इट। और अगर हम लोग सिंगुलर यूज करते हैं तो फिर हम लोग क्या करते हैं, जैसे देखिए एक और एग्जांपल, ही हमारा क्या है, सिंगुलर है, एक के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है, ही हमारा क्या है, सिंगुलर है, एक के लिए यूज कर रहे हैं, और वी हमारे यहां क्या था, प्लूरल था, तो यहां पे ये भी हमारा प्लूरल फॉर्म यूज हुआ है,
ठीक है। अब हम लोगों ने यहां पे सिंगुलर यूज किया है तो वर्ब भी हम लोगों को क्या लेना पड़ेगा, सिंगुलर लेना पड़ेगा। तो सिंगुलर बनाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इट को इसमें एस या ईएस लगाएंगे तो यहां पे एस लगेगा। अब ये हमारा क्या बन गया, सिंगुलर, ठीक है। तो यहां पे आप समझ सकते हैं वी हमारा प्लूरल है तो वर्ब हम लोगों ने लिया प्लूरल वी एट, यहां पे क्लियर है। इसी तरह अब यहां पे देखिए ही हमारा सिंगुलर है, एक के लिए यूज करते हैं तो यहां पे हम लोगों ने वर्ब को क्या लिया, सिंगुलर लिया इट्स, तो इट का हम लोगों ने क्या बनाया, इट्स बनाया। तो आगे हम लोग जब डिटेल में वर्ब चैप्टर को पढ़ेंगे तो और भी इनको डिटेल में सीखने का कोशिश करेंगे। बस आज के लिए इतना ही, हम लोगों ने आज नंबर्स और उनके फॉर्म्स को कंप्लीट कर लिया है। तो आज मैंने इस चैप्टर को यहाँ पे खत्म कर दिया है। तो अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया होगा तो मेरे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल में बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।